हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने blogspot.com पे ब्लॉगर वाली वेबसाइट पे कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। जी हां गाइस, आपने काफी यूट्यूब पे वीडियोस काफी देख ली होंगी दोस्तों और फिर भी आपको रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना, बिकॉज यहाँ पे मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो खुद सेल्फ प्रैक्टिकली गाइस मैंने भी पहले काफी स्ट्रेटेजीज फॉलो करी बट फिर भी मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। तो दोस्तों हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें पर्सनली मैसेज किया और रिव्यू करने के लिए अपनी वेबसाइट में क्या कमी है, किस वजह से रिजेक्ट हो रही है बार बार। तो दोस्तों जब मैंने इनकी वेबसाइट को देखा तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो थीम है उसका कोड गाइस लगाया। अब मैं आपको सब कुछ गाइस बताऊंगा। जो भाई ने ये मैसेज किया मेरे पास, प्लीज अगर वो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ये करेक्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ यही सब बताने वाला हूँ, ठीक है, किस क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रेशर होते हैं और काफी मेहनत करते हैं गाइस अपनी ब्लॉग पे अच्छे से गाइस आर्टिकल लिखने में, बट फिर भी अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो हमारी सारी मेहनत हो जाती है बेकार। और गाइस जितनी भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलती हैं सब में बहुत अच्छा से क्लेम करते हैं कि भाई गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्विकली 24 आवर्स में ओनली। तो दोस्तों देखिए आपको मिल सकता है प्रॉपर अगर आप सारे गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने कुछ मैन अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मेरा जो ब्लॉग तब बार बार डिसअप्रूव्ड हो रहा था और मैंने क्या क्या करेक्शन किया उसमें और किस वजह से मुझे मिल गया तो वही सब मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, बिकॉज गाइस यहां पे आप देख पा रहे होंगे 94% हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो को पूरा देखते हैं गाइस, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बट गाइस सब्सक्राइब कर लिया करो, बिकॉज इंक्रीज होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस चूज करके यहां पे रखे हैं, जैसे कि काफी बार हमें ये वाला एरर देखने को मिलता है, तो वैल्यू कंटेंट वाला एरर, ये मुझे गाइस 5 टाइम देखने को मिला था, मैं भी रिटेड हो गया था, ठीक है। तो आप हो ही जाओगे आई नो, बिकॉज फ्रेशर को काफी कुछ देखना पड़ता है, तो आप टेंशन ना लो अगर प्रॉपर ये चीजें फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूं, इंस्टेंटली आपको भी अप्रूवल मिलेगा, आई एम 100% श्योर गाइस मिलेगा, ठीक है। देखिए ये एरर गाइस आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए आप लोगों ने सबसे पहले तो गाइस पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आपको अच्छी खासी थीम गाइस लगानी है, ठीक है, थीम अच्छे से जनरेट करनी है, आई मीन थीम अच्छी वाली यूज करनी है, एडसेंस फ्रेंडली, जैसे कि इन भाई ने जो यहाँ पे कोड वगैरह ये दे रखा था गाइस, ये वाला अनवांटेड कोड, तो ये भी मैंने अपने इस पिक में कवर किया है, आई मीन देखिए अनवांटेड बिजेस एंड कोड रिमूवर, ठीक है। तो ये आपको किस तरीके से सब कुछ करना है गाइस एक एक स्टेप में बताऊंगा। देखिए पहले मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है, इसी जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने जाना गूगल पे एंड देन यहां पे आपको टाइप करना है दोस्तों, देन गाइस यहां पे आपको सिंपली टाइप करना है जीनियस गुरु 24.blogspot.com, डिस्प्ले पे भी ये डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले पे भी गाइस दिख रहा है। आप सिंपली इसे जब सर्च करोगे गूगल में तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों ने पहला ही गाइस पोस्ट है ये हाउ टू गेट इंस्टेंट अप्रूवल, ये वाला ओपन कर लेना आप। ये मैं ओपन क्यों करवा रहा हूं गाइस, बिकॉज यहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आई मीन थीम से लेकर कौन सी थीम है गाइस जिसमें अनवांटेड कोड्स नहीं रहते, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा ही होता है जब हमारी थीम ही गलत है उसमें ही अनवांटेड हाइड कोड वगैरह रहते हैं तो गूगल उसे डिटेक्ट कर लेता है, आई मीन गूगल टीम उसे डिटेक्ट कर लेती है और आपकी वेबसाइट को डिसअप्रूव्ड कर देती है। तो यहाँ पे देखिए जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो पहले तो मैंने यहाँ पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, बट आप लोगों ने ये वाली थीम देखी, यहाँ से आप थीम डाउनलोड कर लोगे ये वाली, ठीक है। अब इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है ये वीडियो आप गाइस देख लेना, ये वाली वीडियो कैसे कस्टमाइज करना है एक एक स्टेप यहाँ पे बताया गया है, तो वो कोड जो उन भाई ने मुझे सेंड किया था आप वो भी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज भाई ऐसे करके आप उस कोड को रिमूव करें और इस वाली थीम को इंस्टॉल करके अच्छे से कस्टमाइज करें, ये हो गया फर्स्ट वे, ठीक है। अब चलते हैं गाइस सेकंड चलते हैं हमारा लो वैल्यू कंटेंट, आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पक्का देखने को मिलेगी, बिकॉज जो फ्रेशर होते हैं उन्हें मैक्सिमम ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है, देखिए आपको अपना पहला जो आर्टिकल आप लिखते हो वो गाइस ऑलवेज हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखा करो, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे, और गाइस उनका जो टाइटल होता है वो हाउ टू व्हाट एंड टॉप 10 से स्टार्ट होना चाहिए, या किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के ऊपर डिपेंड होना चाहिए आपका आर्टिकल और 1000+ का होना चाहिए, बस इतनी कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी दोस्तों, बिकॉज 2022 में दोस्तों गूगल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, जब तक आप अपना स्मार्ट
स्मार्ट माइंड यूज नहीं करोगे तब तक गाइस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको मेन पॉइंट कवर कर रहा हूं, आपको व्हाट हाउ टू एंड टॉप 10 वाले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं गाइस, प्रॉब्लम्स ढूंढो, उन्हें फिक्स करो, तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी जनरेट होगा। देखिए मैंने अपने इस पॉइंट में ये भी मेंशन कर रखा है, ऑलवेज ट्राई टू टेक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट मींस गूगल से ट्रैफिक। अब गूगल से ट्रैफिक तभी आएगा जब आपका आर्टिकल पर्टिकुलर निश बस एक किसी प्रॉब्लम को वैल्यूएबल होगा, ठीक है। आप इन वर्ड्स पे अपना टाइटल स्टार्ट करोगे तो गाइस वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाएगा एंड देन आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। तो इससे हमारे 101% चांसेस इंक्रीज हो जाते गाइस इतने में ही कि हमें गूगल का एडसेंस क्विकली मिलेगा। अब इसके बावजूद भी आप लोगों ने यूज एडसेंस फ्रेंडली थीम तो वहां से कस्टमाइज कर लेनी है जो मैंने अभी आपको बताया। अब गाइस बात आती है मेक ऑल इंपोर्टेंट पेजेस, तो दोस्तों इसमें भी काफी चीजें होती हैं इंपोर्टेंट पेजेस। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किसी जनरेटर का यूज करते हैं इंपोर्टेंट पेजेस यूज करने में और गाइस वहां पे एक गलती कर देते हैं कि उस वेबसाइट का लिंक भी जो हमारे पेज जो जनरेट करके हमें देती है उस वेबसाइट का लिंक भी उसमें आ जाता है, कुछ कोड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर कैसे करना है यहाँ पे ये वाली वीडियो देख लीजिएगा गाइस, उसी आर्टिकल्स की ये वाली वीडियो, यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपको बताया है कैसे आपको लेना है। तो प्लीज मिस मत करिएगा दोस्तों, एक एक स्टेप मैं आपको तभी क्लियर कर रहा हूं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है गाइस, कभी भी आपको थर्ड पार्टी से ट्रैफिक नहीं लेना। आपने यूट्यूब पर काफी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि यहां से ट्रैफिक रिडायरेक्ट करें, यहां से करें। दोस्तों कभी भी आपको थर्ड पार्टी से ट्रैफिक नहीं लेना, ये हमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बिकॉज फ्रेशर को ये सब पता नहीं होता और वो अपने ब्लॉग पे स्टार्टिंग में ही थर्ड पार्टी से ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे क्लिक फॉर क्लिक वगैरह ये काफी ऐसा चल रहा है, तो आप लोगों ने मेक श्योर ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों अनवांटेड विजिट्स ये आपको कैसे उठाना है ये मैंने ओनली कस्टमाइजेशन वाले वीडियोस में बता रखा है। आपको जो भी यूज नहीं है, जिसका यूज नहीं है, जिस विजिट्स का थीम जब हम अप्लाई करते हैं उसमें काफी विजिट्स ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं रहता, कोई कोर्स वगैरह उसमें रह जाते हैं, तो वो सारे आपको रिव्यू कर देने हैं। दैट मींस आपका जो ब्लॉग है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश होना चाहिए, कोई अनवांटेड विजिट्स नहीं रहना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप ये सारे टिप्स अच्छे से फॉलो, और हाँ दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, अगर पहले तो मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो 101% प्रिटी श्योर गाइस आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलके रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये सब अच्छे से फॉलो किया। तो अब गाइस चलते हैं कि ऑर्गेनिक जो आपने टाइटल चूज कर लिया व्हाट एंड हाउ टू ऑन टॉप 10 से, अब उसमें गाइस कीवर्ड आपको कैसे लगाने। देखिए गाइस आप लोगों ने सिंपली गूगल पे डालना है कीवर्ड एवरीवेयर कीवर्ड टूल, तो गाइस आपको ये अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है बिकॉज ये काफी हेल्प करता है गाइस कीवर्ड फाइंड में, और वो कीवर्ड आप लोगों ने यूज करने अपने ब्लॉग में। तो गाइस एक बात बताओ यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, अगर नहीं किया तो कर दो, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपकी कोई इश्यू आता है आपकी थीम को लेके तो हमें इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपकी पर्सनली भी हेल्प करूंगा, पर्सनली आपकी थीम जो है वो कस्टमाइज करूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, एंड हाँ दोस्तों लर्न करते रहो एंड अर्निंग अपने आप होगी।